ना आपने इसे कभी खाया होगा ना कभी खा के देखा होगा। ये है कच्चे चावलों की बहुत ही अद्भुत और हटके एक रेसिपी जो बहुत ही अलग है दोस्तों। और इसको बनाने के लिए हमने आधा गिलास कच्चे चावल लिए हैं और उनको लगभग एक घंटे के लिए ढक के रखा है। ढक्के के बाद हमने इन चावलों को अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद दोस्तों हमें इनको पीसना होगा। और इन आधा गिलास एक घंटे भीगे हुए चावलों को पीसने के लिए हमने इन्हें एक मिक्सी के जार में ऐड करना शुरू किया है। ये सारे के सारे चावल मैंने अपने इस जार में डाल लिए हैं। तो अब दोस्तों मैं इसमें ऐड करूँगा एक चम्मच सूजी का। आप दोस्तों अगर आप चाहें तो डेढ़ से दो चम्मच सूजी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक चम्मच सूजी इसको अच्छा क्रिस्प कर देगी। तो चलिए एक चम्मच सूजी डाली है, अब वहीं पे एक हरी मिर्ची डाली है, तो अपना स्वाद अनुसार नमक ऐड करा है और हल्का सा पानी डाल के इसका अच्छे से एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर दिया है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया कितना असरदार पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब इस पेस्ट में हम एक बहुत ही बढ़िया चीज़ डालेंगे, लेकिन वो चीज़ हम तभी डालेंगे जब ये एकदम रेडी टू कुक हो जाएगा, जब तक हम अपनी बाकी सारी तैयारियों को पूरा कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे ज़बरदस्त एक चटनी, जिसके लिए हमने 3 से 4 लाल मिर्ची को गर्म पानी में डुबो के रखना है। अब इस मिर्ची को बनाने के लिए दोस्तों हमने एक चम्मच दही ली, दही में हमने अपनी डूबी हुई लाल मिर्ची वो ऐड करी और साथ ही में दोस्तों हमने अदरक लहसुन और हल्का सा स्वाद अनुसार नमक डाल के और काला नमक डाल के इसका एक पेस्ट बना लिया है। पेस्ट हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा रखे रखेंगे तो। आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये चटनी लाल बढ़िया बनके तैयार हुई है। अब वहीं दूसरी तरफ जो हमने चावलों का एक पेस्ट बनाया था उसकी टॉपिंग के लिए हम एक आलू लिया है हमने, आप चाहें तो 2 आलू भी ले सकते हैं अगर आपके आलू छोटे हैं तो, और मोटे वाले छेद से इसका मोटा मोटा कद्दूकस हमें करना होगा। दोनों आलू को अच्छे से छील लेना है। दोनों आलू को अच्छे से छीलने के बाद धो लीजिए, प्याज को भी काट लीजिए और धो लीजिए। उसके बाद प्याज को तो आप करना होगा छोटा छोटा चॉप, लेकिन आलूओं को आपको करना होगा कद्दूकस, वो भी मोटे मोटे छेद से। तो चलिए आलूओं को कर लेते हैं फटाफट से कद्दूकस। ये देखिए दोस्तों बताया था जैसे ही वैसे ही हमने मोटे छेद ले लिए हैं। आलू को कद्दूकस इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारे बहुत ही बेहतरीन टॉपिंग में इस्तेमाल होने वाले हैं। जो हमने एक पेस्ट चावल का बना के तैयार किया था वो अभी आप देखोगे, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, एकदम अनोखी है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, कभी भी शायद ट्राई ना करी हो और आज आप इसको ट्राई करके बेहद ही ज़्यादा खुश भी हो जाएंगे। तो चलिए हमने दोनों आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, लगभग बस होने ही वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमें अब अपने ओनियंस को भी चॉप कर लेना होगा। ये देखिए आलू तो हमारे हो गए हैं चॉप, तो बस अब इन ग्रेट करे हुए आलूओं के साथ बस अपने प्याजों को फटाफट से चॉप कर लेते हैं। ये देखिए तो आलू के ऊपर हमने अपने प्याज को डाल लिया है। प्याज दोस्तों आप चाहें तो एक की जगह 2 भी ले सकते हैं, मैंने एक ही लिया है। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची ली है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने स्वाद अनुसार इसमें मसाले डालूंगा, मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं और बस उसके बाद दोस्तों इसमें हल्का सा मैं ऑयल ऐड करूँगा और काली मिर्ची, ऑयल 1 चम्मच डाला है। ऑयल क्यों डाला है अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें वीडियो के एंड में आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ही ज़रूरी है ऑयल ऐड करना, 1 चम्मच मैंने डाला है और ये अभी आपको अच्छे से पता भी चलेगा और ये सवाल आपके मन में नहीं आएगा कि ऑयल डाला क्यों है। तो चलिए इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसमें मैंने बताया था एक चीज़ और डालनी बाकी है, तो वो चीज़ है दोस्तों बेकिंग सोडा। अब ये जो हमने पेस्ट बनाया इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे इसको एक्टिवेट करने के लिए, और बेकिंग सोडा के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि पेस्ट की भी अच्छी कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए और बेकिंग सोडा रिएक्ट भी कर जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, घुमा लेते हैं और आपके भी पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो। बस वाह, ये बढ़िया से मिक्स हो चुका है। अब दोस्तों हमें दूसरी तरफ ले लेना है एक पैन ले लेना है दोस्तों और उसको हल्की सी ऑयलिंग कर लेनी है। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा है उसको हमने इसमें सर्कुलर फॉर्म में डालना है। तो दोस्तों ये बढ़िया चावल का बढ़िया आलू ओनियन उत्तपम बनके तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। अभी जो हमने आलू कद्दूकस करे थे, प्याज और हमने इसमें कुछ मसाले डाले थे, ऑयल डाला था। अब दोस्तों ऑयल हमने इसलिए डाला था इस मिश्रण में ताकि जब हम इसे पलटें तो ये चिपके ना, ये ईजीली हट जाएगा। ये देखिए अच्छे से हमने इसकी टॉपिंग कर लेनी है। टॉपिंग करते वक्त ध्यान रखें कहीं से भी कमी ना रह जाए, पूरे के पूरे इस उत्तपम के ऊपर जो हमने तैयार कराया घर में पूरी टॉपिंग हो सके। ये देखिए कितने अच्छे से टॉपिंग हो गई है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे ताकि आलू और अंदर से बिल्कुल भी ये जो मिश्रण है पेस्ट ये कच्चा ना रहे, इसलिए हमने इसको लगभग 3 से 4 मिनट ऐसे ही ढका रखा।
और आप देख सकते हैं कितना अच्छा करारा बढ़िया तैयार हो गया। ये अच्छे से हिल रहा है, मतलब ये पैन को छोड़ चुका है, अच्छे से पक चुका है। बस अब इसकी साइड पलट देंगे। अब ये जो ऑयल लगाया था हमने आलू के मिश्रण में, मदद करेगा कि ये यहाँ से चिपके ना। अभी भी इसको फिर से ढक के पकाएंगे ताकि ये आलू कहीं से भी कच्चा ना रह जाए, इसका मिश्रण, इसका पेस्ट कहीं से कच्चा ना रह जाए। तो चलिए इसको ढक लेते हैं। और चावल जितनी देर आप भिगा के रखेंगे शुरुआत में पेस्ट बनाने से पहले, उतना ही बढ़िया बन के तैयार होगा। ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए मैं भी चलता हूँ, आप वीडियो को कर लीजिएगा ज़रूर से शेयर और हमारे पेज को ज़रूर कर लीजिएगा फॉलो। थैंक यू फ्रेंड्स।